हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 10th, हमारी डेट 18th ऑफ अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हम डेली दो आपकी जो वर्कशीट्स पिछली हो चुकी है करते आ रहे हैं, आपको लर्न हो गया होगा, है ना। कैसे करते हैं, दो लाइंस के थ्रू करते हैं दो लीनियर इक्वेशन को शो। ये दो लाइंस अगर आपस में काटती हैं तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें ये आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब आप दोनों में अगर पुट करोगे वैल्यूज इसकी, इस पॉइंट की जहां पर ये है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। मतलब ये दो लाइंस है आपको दिख एक रही है क्योंकि एक के ऊपर एक है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड है जो लाइंस आपस में कभी भी ना मिलती हो, वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस। तो ये तीन आपकी बनती है हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ये भी हम कर चुके हैं। क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। और यहाँ पे मतलब ये दूसरी इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट है तो हमने ए वन बी वन सी वन रखा है, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन तो इसको ए टू बी टू सी टू रखा है इसके उसको। अब देखो इसके हिसाब से सॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे। देखो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं कंसिस्टेंट और एक होते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, अगर आपका आंसर आता है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इन वाले से याद रखो, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो वो तो हम पता करते हैं किसी कोफिशिएंट से। अगर मान लीजिए ये आपका ए वन है, ये आपका क्या है, ए टू है, ठीक है। यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू रखो, अगर वो बी और बी टू, बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं है, इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, देखो इक्वल साइन पे नेगेटिव ये लगा हुआ है, नहीं है, मतलब वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिनका आप सिर्फ क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के इक्वल है और सी वन बाय सी टू के इक्वल भी है, यहाँ पर और यहाँ पर ये भी इक्वल है, ठीक है, इन सबका रेशियो आपस में इक्वल है, तो वो मतलब कोइंसिडेंट, सारे इक्वल है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन वो बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड वन, अगर पहले वाले तो इक्वल है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, लेकिन सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है, तो मतलब पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं एक एग्जांपल, और फिर अब आप उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए वन क्या है, ये क्या है, ए वन होता है, ये है आपका बी वन और ये है आपका सी वन, ठीक है। तो ए वन एक्स के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब वन है, ए वन क्या है आपका थ्री है, और ए टू क्या है, ए वन अपॉन ए टू लिखना है ना, ए वन अपॉन ए टू लिखना है, ए टू क्या है आपका, ये रहा ए टू थ्री है, ठीक है, लिख दिया ए वन अपॉन ए टू। किसके इक्वल होना चाहिए, बी वन अपॉन बी टू, बी वन क्या है माइनस टू और बी टू क्या है फोर, ठीक है। तो क्या आपका वन बाई थ्री और टू बाई फोर इक्वल है, नहीं इक्वल है, और ये नहीं इक्वल होते तो क्या होते हैं, अगर इक्वल नहीं होते हैं, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल नहीं होते हैं, तो क्या होता है आपका, यहाँ पे कंसिस्टेंट होता है, और क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, ये देखो ये आपके इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, बस वही लिखना है यहाँ पे भी, कंसिस्टेंट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी आपकी, ठीक है। बेटा यहाँ पे भी सी वन सी टू के इक्वल लिखा हो, ये भी नॉट इक्वल आएगा, ए वन अपॉन ए टू भी नॉट इक्वल है, ये शायद आपके इसमें मिस्टेक है, ठीक है। चलिए क्योंकि उसमें तो इस ये था ना, ए वन ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आपकी सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से होगी, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से a1 वन बाई ए टू क्या है, 2 अपॉन 4, b1 वन बाई बी टू क्या है, 3 अपॉन 6, c1 वन बाई सी टू क्या है, माइनस 9 अपॉन माइनस 18। तो यहाँ से इसको कट करोगे तो 1 बाई टू आएगा, इसको कट करोगे तो 1 बाई टू आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 9 और 18 को कट करोगे तो 1 बाई टू आएगा। तीनों इक्वल आए हैं, तीनों इक्वल आए हैं, तो मतलब क्या है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। कब होता है ये, कंसिस्टेंट होता है, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और कोइंसिडेंट होते हैं ऐसे केस में, ठीक है। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे किया था, देखो अगर आपके पास यहाँ पे सेम है सारे तो कोइंसिडेंट लाइन बनता है, तो क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद है 2x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या करना है, देखो आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई टू ए वन अपॉन ए टू हो जाएगा, बी वन अपॉन बी टू क्या होगा 2 अपॉन फोर, सी वन अपॉन सी टू क्या होगा माइनस फोर अपॉन माइनस ट्वेल्व। देखो इसको कट करोगे तो अब 1 बाई टू ही आएगा ना, तो ये तो 1 बाई टू आया लेकिन इसको कट करोगे तो 1 बाई थ्री आया है। तो मतलब ए वन बी वन के इक्वल तो है लेकिन सी वन वाले रेशियोज़ के इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता है, जब कोई सॉल्यूशन ना हो, पैरेलल लाइंस के केस में होता है, जो कि क्या होता है इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब करने आगे सोल्व, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिखने में आपको लग रही है बस टेबल फिल करनी है, फटाफट हो जाएगा, हाँ वैसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके ये तीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके ये बताना है, इनमें साइन लगाना है कि ये इक्वल है नॉट इक्वल है ये, उसके बाद ये बताना ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर बताना इनका एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और उसके बाद बताना इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है और पैरेलल लाइंस है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं हम क्लास टेंथ मैथ्स। आपका क्या होगा, यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। पहली इक्वेशन ये थी, ये दोनों थी इक्वेशन। तो इसमें हम चेक करते हैं, a1 क्या है आपके पास 2 है, b1 क्या है माइनस 3 है, c1 क्या है माइनस 8 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो a2 क्या है आपका 4 है, b2 क्या है आपके पास माइनस 6 है, और c2 मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, इसको c2 लिख लेना। ठीक है ना, c2 क्या है आपके पास माइनस 9 है। क्लियर, अब क्या होगा a1 वन अपॉन ए टू मतलब 2 अपॉन 4 कितना होता है काट के 1 बाई टू आएगा, फिर b1 वन अपॉन बी टू बी वन अपॉन बी टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया 3 से 6 कट गया 1 अपॉन टू, फिर आपका c और c आता है माइनस 8 बाई 9, माइनस से माइनस कट गया 8 बाई 9। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, अब चेक करो ए वो कौन सा इक्वल है, देखो ए वन ए बी इसके तो इक्वल है क्योंकि ये भी 1 बाई टू है, ये भी 1 बाई टू है। ठीक है, तो ये तो इसके इक्वल है लेकिन ये अलग है, ये इक्वल नहीं है, है ना, ये इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन से केस में होता है, अभी अभी हमने किया था, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस के केसेस में ये होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमें यही बताना था ना, क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा पहले में, नो सॉल्यूशन होगा और पैरेलल लाइंस होगा फर्स्ट में, तो वो मैंने तीनों वहीं लिख दिए हैं। तो अब हम बार बार यहाँ टेबल पर नहीं आएंगे क्योंकि वहीं पे मैंने आपके तीनों आंसर्स लिखे हुए, कॉपी में भी आप बस डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है ना, इस तरीके से कर लो, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दे रखा है कि ये आपको निकालना है, बस डायरेक्ट क्या करो आप क्वेश्चन भी बस जो ऊपर लिखा हुआ है ना कंप्लीट द टेबल वगैरह वो लिख के यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन वन स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है हमें, क्या इक्वेशंस है हमारी, x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस फोर वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से अगर हम निकालते हैं a1 क्या है, देखो 1 है a1, b1 क्या है माइनस 2 है, और c1 क्या है, देखो ये 0 को इधर ले आओ, यही तो है ना c, तो इसको मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, a2 क्या आपके पास 3 है, b2 आपके पास क्या है 4 है, और c आपके पास क्या है माइनस 20 है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, देखो इसको भी मतलब माइनस जीरो हम कभी लिखते नहीं है ना, क्योंकि जीरो तो जीरो होती है, जीरो के आगे थोड़ी माइनस लगता है, इसलिए इसको यहाँ लाकर भी माइनस नहीं लगाएंगे, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब देखो चेक करो, ए वन अपॉन ए टू मतलब 1/3, उसके बाद बी वन अपॉन बी टू मतलब 2/4, इसको काटोगे तो माइनस 1/2 आंसर आएगा। अब देखो यही आपस में इक्वल नहीं है, ये 1/3 है, ये माइनस 1/2 है, यही आपस में इक्वल नहीं है। जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल ना हो तो हमें पता है क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यही होता है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू, छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री पे, लास्ट जो क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें क्या क्या इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक मिनट, चलिए क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। यहाँ पे a1 क्या है
वन है, बी वन क्या है, वन है, सी वन क्या है, सिक्स ले लिया, इधर इधर ले जाके माइनस सिक्स है, पर इधर भी तो इस तरफ ही ना माइनस माइनस फिर भी कट हो जाने, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्ट सिक्स लिख दिया। इधर से देखो, इनमें से टू कॉमन ले लूँ, इधर से भी टू कॉमन बाहर ले लिया, और इसको भी मैं टू मल्टीप्लाई सिक्स मतलब डायरेक्ट ट्वेल्व ही लिखो, चलो इसको छोड़ो, टू से आपका ये कट जाता है सिक्स पे, तो एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी तो ये इक्वेशन थी और यहाँ पे भी इक्वेशन थी, तो एक ही तो लाइन बनेगी, सिर्फ एक ही लाइन बन रही है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है ना, क्योंकि ये भी ये भी ये, यहीं से हमें पता लग गया कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है इसका मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, लेकिन हमें तो ये पूरा ये करके दिखाना था ना, ये फिल करना था हमें इसके अंदर, चलो कर लेते हैं। ये तो हमें पता है ना सारे इक्वल हो जाते हैं अगर ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन्स आए। चेक करो, चलो यहाँ पे A1 सबकी वैल्यूज लिखी हुई है मैंने, तो A1 अपॉन A2 क्या है 1 1, उसके बाद B1 अपॉन B2 आएगा बेटा, यहाँ पे मैंने 2 करना है आपको, ठीक है 2 लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, इसको 2 करो। B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, फिर C1 अपॉन C2 क्या आ जाएगा 6 अपॉन 6, कट जाएगा 1 अपॉन 1। देखो सारे 1 अपॉन 1 आए हैं, है ना, सारे 1 अपॉन 1 आए, मतलब A1 अपॉन A2 किसके इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, जो किसके इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, तीनों इक्वल है, तो मतलब कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइंस हमारी बनेंगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 3, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको 2 ज़रूर लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाता है, क्लियर, यहाँ पे 2 लिखना है, बस ये ध्यान रखो, मैंने A1 ही लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आई होप आपको अच्छे से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।